गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो ये वाली वीडियो ना, अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हो, अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हो, अपनी डेली लाइफ को दिखाना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन बांटना चाहते हो, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लीव कर लीजिए। गाइस मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे अपने यूट्यूब वीडियोज़ पर, तो उसमें लिखा था आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। मुझे लगा कि भाई इंटरेस्टेड है काफ़ी लोग जानने में व्लॉगिंग सेटअप। आज मैं सारी बातें बताने वाला हूँ जो भी व्लॉगर्स, मतलब एक व्लॉगर्स के पास होनी चाहिए। बात की जाए व्लॉगिंग सेटअप की, तो स्टार्टिंग में किसी के पास इतने रुपीज़ नहीं होते हैं कि मतलब वो एक बहुत अच्छा सेटअप खड़ा कर सके। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कहना क्या चाहता है। तो मैं कहना कुछ इस तरह से चाहता हूँ, अगर आप बिगिनर यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर कुछ भी आपके पास पैसे वगैरह है नहीं है और मतलब कि करना भी है कुछ वीडियोज़ वगैरह बनानी है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और व्लॉग किसे कहते हैं। व्लॉग का मतलब एक्चुअल में आप समझते क्या हो, मैं बताऊं आपको व्लॉग का एक्चुअल मतलब है क्या। एक होता है ब्लॉग्स, ब्लॉग्स होते हैं रिटन, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको भी बोला कि भाई ब्लॉग्स होते हैं रिटन, जो रिटन स्टेटमेंट वगैरह होती है कई ब्लॉगर्स ने दी हुई अपनी वेबसाइट्स पे। लेकिन व्लॉग्स क्या होते हैं, व्लॉग्स मैं बताता हूँ क्या होते हैं ना। व्लॉग्स भी बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं, बट उसमें इन्फॉर्मेशन आसान कर ली होती है क्योंकि उसमें वीडियो फॉर्म में दिखाया होता सब कुछ। तो ये फर्क है ब्लॉग और व्लॉग में। आप सोच रहे होंगे ऐसा कि भाई व्लॉग बनाने के लिए तो अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा सेटअप चाहिए, तो इतने पैसे कहाँ से लाएँ, इतना मतलब खर्चा वगैरह क्यों करें, जबकि हमारे पास पहले ना तो ऑडियंस है ना कोई देखने वाला है, फिर भी इतना खर्चा क्यों। तो इसका आंसर भी है मेरे पास। तो आप ऐसा कीजिए, आपके पास स्मार्टफोन तो है ही, तो स्मार्टफोन से ही काम चलाइए स्टार्टिंग में, डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, तो उसे आपके सब्सक्राइबर्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जल्दी जल्दी आप ग्रो अप हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई डेली व्लॉगिंग तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो भाई डेली व्लॉगिंग का मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि आप अच्छा बनाइए, छोटी वीडियो बनाइए, लेकिन आप एक फिक्स टाइमिंग सेट कर लीजिए अपने वीडियो डालने का। जैसे कि मैं अपनी खुद की वीडियो के बारे में बताऊं तो मैं शाम को 8 बजे डालता हूं, अगर लेट हो जाऊं तो कई बार सुबह भी डाल देता हूं, तो और कई बार दिन को 1 बजे भी डाल देता हूं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ आइडिया है कि भाई ये वीडियो कब कब डालता है, तो बिल्कुल वैसा ही कीजिए स्टार्टिंग में। और जहाँ तक रही कैमरे की बात, स्मार्टफोन ही काफ़ी सही है ऑप्शन आपके पास। और मैं आज अपने कैमरे की बात करूं तो मैं शूट करता हूं आईफोन 11 से, जिसकी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजिंग वो है कैपेसिटी, इस वजह से मैंने इसको लिया था। और मेरे पास इससे पहले DSLR था 200D, कैनन 200D। तो यार मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई कि जो DSLR वगैरह होते हैं ना, ये वीडियो के लिए नहीं, फ़ोटोग्राफी के लिए होते हैं, इनमें स्टेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं होती है, तो इनको लेने की गलती मत कीजिए। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, इससे अच्छा आप GoPro लीजिए अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही बजट है। बट मैं स्टार्टिंग में इसको चूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा कि भाई आप GoPro लीजिए। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई GoPro मत लीजिए, अगर आप GoPro लोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है उसकी हाई क्वालिटी वीडियोज़ होगी, 4K वीडियोज़ होगी, वो आपके फ़ोन में एडिट नहीं होगी। अगर फ़ोन भी चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए हाई एंड फ़ोन चाहिए, जैसे कि एप्पल का हो गया, तो इन ऐसे ऐसे फ़ोन में होगी वो एडिट। तो इससे अच्छा आप एक स्मार्टफोन लीजिए, एडिटर बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, वीवा वीडियो, इन शॉर्ट्स, फिल्मोरा, बिल्कुल ये सारे फ्री है, अवेलेबल है प्ले स्टोर पे भी, ऐप स्टोर पे भी। तो स्टार्टिंग में आप ये वाला सेटअप कीजिए, और जब आपके पास थोड़ी औकात होने लग जाए तो उसके बाद आप स्टेबिलिटी के लिए गिम्बल लीजिए। फ़ोन गिम्बल सस्ता आता है, कैमरा वाला गिम्बल बहुत महंगा आता है। और गाइस कुछ यूट्यूबर मेरे नोन के भी है जिनने बहुत खर्चा तो कर लिया, उनके पास बहुत महंगे महंगे ड्रोन्स वगैरह है, बहुत अच्छा सेटअप है, मैकबुक है, GoPro है, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स किसी के 300, किसी के 800, किसी के 1000, या किसी के 1.4K। तो यार मतलब ये सारी चीज़ों पे ना इन्वेस्ट तो ही करना आपने, अगर आपको ऐसा लगेगा अगर आपको इस तरह का लगेगा कि भाई हाँ कॉन्टेंट सबकी सर्च में आ रहा है और चलेगी मेरी वीडियोस आगे जाके, तो ही इतना वो करना है आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट। बाकी यार अपने सेविंग रखो, अगर ज़्यादा ही पैसा है कुछ कभी ना कभी काम ही आ जाएगा।
और गाइस जो मैं आपको लास्ट चीज बताना भूल गया वो है सेल्फी स्टिक। ये आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक ब्लॉगर हो या आप बनना चाहते हो, तो ये आपके पास होनी चाहिए। ये फोल्डेबल है, पोर्टेबल है, और मज़े की बात तो ये है ये ट्राईपॉड भी बन जाती है। ट्राईपॉड इस तरह से रखने के लिए नीचे, जो कि मेरे पास हमेशा कैरी कर लेता हूँ मैं। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ लेनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो इसे। तो ये वाली सबसे बेटर ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि कभी भी आप जाते हो भीड़ भड़ाके वाले एरिया में तो आपको मतलब कि कुछ इस तरह से फोन लेके यूं करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यूं को डाल दो इसे ऊपर को, और फिर आपकी अच्छी फुटेज आएगी। तो ये थी सारी की सारी बातें जो मैंने कही है इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ब्लॉगर बनने के लिए। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी मतलब व्लॉगर टाइप बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहते हैं आप, स्टार्ट वीडियो गया, तो ये वाली स्टिक ना ले लीजिए आप। इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं अपने से आपको एडवाइस कर रहा हूँ, अपने से आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि भैया आपको लेनी ज़रूरी है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर।